तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सबॉर्डिनेट्स को कैसे तैयार किया हुआ था, अंदाज़े हुक्मरानी का ये अंदाज भी आज सुने। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु जो हज़रत फारूक आज़म के गवर्नर हैं, हम्स ज़िला हम्स शहर की गवर्नरी आपको अता की गई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आपने इरशाद फरमाया कि पता करो हम्स में कितने गरीब हैं, उन गरीबों की लिस्ट मंगवाओ ताकि हुकूमत उन्हें खर्चा दे, हुकूमत उन्हें फंड दे, लिहाजा वहाँ से लिस्ट मंगवाई जाए। तो जब वो लिस्ट लाई गई तो 15वें नंबर पे एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था सईद बिन आमिर। तो आप हैरान हुए, आपने पूछा कि ये नाम जो है ये किसका है, क्या ये हमारे वो गवर्नर तो नहीं है या कोई और है? तो बताया गया जी नहीं, ये उन्हीं का नाम है और उनका नाम भी गरीबों की लिस्ट में शामिल है। यानी ये भी उसी मुकाम पे है जिस तरह दूसरे गरीब लोग हैं खम्स में, ये उसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आपने इरशाद फरमाया ये तो कमाल हो गया, बुलाओ उसे। जब बुलाया गया तो पूछा कि क्या वजह है, आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है? तो आप फरमाने लगे हुजूर आपको जिस तरह की जिंदगी गुजारते देखा है हम भी वही जिंदगी वहां गुजार रहे हैं, उसी तरह का अंदाज हमारा भी है, हम भी उसी तरह सादगी के साथ रहते हैं, उसी तरह अपनी जिंदगी का अंदाज रखा जैसे आ रहा है। कुछ ही वक्त गुजरा तो एक शख्स हमद से आया और उसने आके कुछ शिकायत कर दी। उसने कहा हजूर ये आपके पास आपके गवर्नर मौजूद है, हमें इनसे कुछ शिकायत है। कहा करो शिकायतें। पहली शिकायत ये है कि हजूर ये रात को नहीं मिलते, दिन को मिलते हैं, रात को जाए तो ये मिलते ही नहीं। फिर एक और शिकायत ये है कि ये हफ्ते में एक दिन छुट्टी करते हैं, किसी को भी नहीं मिला करते, हफ्ते में एक दिन ये अवेलेबल नहीं होते। हजूर ये शिकायत है। पूछा गया कि आपके को ये दो शिकायतें हैं आपसे अवाम को, बताइए क्या मसला है, क्या वजह है? तो आपके गवर्नर ने देखो क्या जवाब दिया, फरमाया हुजूर दिन सारा लोगों की खिदमत में गुजरता है और रात सारी अल्लाह के सामने सजदों में गुजर जाती है, इसलिए रात को मैं अवेलेबल नहीं हो सकता। और ये कह रहे हैं कि एक दिन छुट्टी करता हूँ, तो हुजूर वो एक दिन इसलिए छुट्टी करता हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ा है और वो उस दिन धो लेता हूँ और उस धोने के लिए मैं एक दिन छुट्टी कर लेता हूँ। आप अंदाजा कीजिए जिनको आपने तैयार किया वो कैसे आला लोग, वो कितने बड़े दर्जे के ऊपर, और ये उनके तैयार करदा थे हजरत फारूक आजम की अपनी शान क्या होगी।